हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या का 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्याकाल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही भोलेनाथ की कृपा से कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, लेकिन महाशिवरात्रि व्रत के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इस दिन कुछ गलतियों के कारण आपको व्रत का शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन वह कौन सा कार्य है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है। नंबर 3, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। साथ ही महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोमूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। नंबर 4, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हो। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें। नंबर 5, महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। नंबर 6, शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, शराब पीना और दान की हुई चीजें या धन वापस लेना भी महापाप माना गया है, इसलिए ऐसा करने से बचें। अन्यथा शिवजी कभी भी माफ नहीं करते।